लेकिन लेकिन जिसको विश्वास इसको भूत चढ़ा है ना, तो फिर मतलब भारत का संविधान भी ये कहता है कि वो क्रिमिनल नहीं होगा। यदि ये पता चले कि ये इनोसेंट है, इसको कोई कराई जा रहा है, ऐसे भी एक संविधान में नियम कानून है, ठीक है, तो इसको दोषी नहीं माना जाता, उसको दोषी नहीं माना, क्योंकि वो दूसरा करवा रहा है उसको, ठीक है, और उसकी कमजोरी पे वो चढ़ गया, उसके ऊपर हावी हो गया है। ऐसे ही वो तो उसका काम क्या है, इनोसेंट मतलब वो शांत है, वो व्यक्ति शांत स्वभाव है, कहते का मतलब, और भूत उसको करा रहा है, ठीक है, सब करा रहा है, गुस्सा माना जो भी कराना ऐसे। अब तो ये एग्जाम्पल था, ये भारत मात्र था सुख समय सारा जी के कर्ता कर्म अधिकार में दिए, तो उस भारत में समझाना क्या था आचार्य को कि ऐसे ही तुम्हें जो भी बाहर दिख रहा ना, तुम करते हुए सुबह से लेकर मान के चल 6 बजे से उठ करके आपकी डेली जो कार्यक्रम रूटीन चालू हो जाती है, मतलब पुरुषों की तो दुकानदारी संबंधी, महिलाओं की घर संबंधी सारी जो रूटीन चालू हो जाती है, तो शुरू से लेकर एक जो चल रही है ना, वो सब भूत करा रहा है। भूत करा रहा मतलब आपके मोहिनी कर्म करा रहे हैं, चारित्र मोहिनी दर्शन, चारित्र मोहिनी कर्म करा रहा है कि आपको आपको लग रहा है चारित्र मोहिनी समझते हो, मतलब उसकी भी अलग अलग स्टेज है, तो उसके अनुसार आप करते हो, आपको वो चीज करा रही है, लेकिन आप क्या मानो नहीं, हम तो अभी गृहस्थ हैं, तो हमारा तो कर्म क्या है कि भाई हमें घर को भी पालना है और थोड़ा समय मिला तो मंदिर में आकर के पूजा पाठ करनी है, स्वाध्याय करना है। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये करा कौन रहे, कर्म करा रहे, तुम नहीं कर रहे, तुम क्या कर रहे हो भैया, तो तुम उस समय पे भी जान रहे देख रहे हो, जानने देखने का स्वभाव है तुम्हारा, कर्म भी नहीं कर रहा, कर्म भी नहीं कर सकता, व्यवहार में कह सकते हैं अपन कर्म करा रहा है क्योंकि दिखता तो वही करते हुए। अब ये भी बात है कि 70 रुपए का प्रणाम अपने आप में हो रहा है, कोई किसी को कराता रहता नहीं है, वो बिल्कुल चरम सीमा का है, लेकिन अपन अगर समझाने के लिए तो यही समझाएंगे ना, कर्म करा रहा है, कर्म के प्रभाव से हो रहे हैं, व्यवहार से ऐसी कहा जाएगा, हाँ वेद ज्ञान कराने के लिए कहा है। तो भैया आप जैसे आपको भी होते हैं राग द्वेष मोह सब का शायद नहीं है, तो अब करता कौन है, तुम्हारा बस इतना सा काम है वेद ज्ञान करो, वेद ज्ञान करो, वहां पर ये कर्म का कार्य है और उस समय पे भी जानने देखने वाला कार्य है, वो मेरा कार्य है, पर इतना सा जो वेद ज्ञान की धारा अविरल रूप से बहती रहेगी, तुम अपने जीवन में खुद ही अनुभव करोगे बहुत सुखी हो, औरों को देखोगे तो रहेगा कितने दुखी है, और अपने आप रहेगा अरे मैं तो इनसे तो कितना सुखी हूँ, अपने अंदर फीलिंग आने लगेगी कि मैं सुखी हूँ, धर्म का सही अर्थ तुमको समझ में आएगा, मैं सुखी हूँ, धर्म और कुछ नहीं होता, धर्म का इतना समझदार होता है सुखी जीवन जीना इतना सा, और वो वेद ज्ञान के बल से ही होगा। तो होते हुए परिणामों को जानते देखते रहना, जो जीव का असली वास्तविक स्वभाव है वो सरल है, वो समझ में आ रहा है, मतलब वो ही उपयोग लक्षण है, उसकी पूरे चर्चा इस पूरे ग्रंथ में, सभी जगह इस ग्रंथ में नहीं पूरे दिनागम में इसकी चर्चा, समझ में आ गया। तो उपयोगमय जीवो, ठीक है, अब वो उपयोगमय जीव जो है उसके बारे में बता रहे हैं। देखो एक बार मैं पंडित साहब की प्रवचन में आया था कि जीव के बारे में जानने से तुम्हें सभ्य दर्शन नहीं होने वाला, क्या बोला, जीव के बारे में जानने से तुम सुखी नहीं हो, सभ्य दर्शन मतलब सुखी नहीं हो पाओगे, सरल सी बात है, जीव के बारे में खूब द्वारस्थान का ज्ञान कर लो, जीव ऐसा जीव ऐसा जीव ऐसा पोथी पढ़ लो उसे कहते हैं, तो सुखी नहीं हो पाओगे, तो कैसे होगे, जीव को जीव के बारे में जानने से नहीं, जीव को जानने से, और जीव को भी जानने से नहीं, मैं जीव हूं ऐसा जानने से, बस इतने से धर्म होगा। जीव को तो भाई सच बताए दिल से बहुत 90 अभी जैसे अपन कहीं भी पूछने चले जाओ ना, तो सब बोल देते हाँ एक चीज है जो शरीर छोड़कर चली जाती है, इसके बाद शरीर मुर्दा हो जाता है, तो सभी लोग कृष्णा बच्चे रूप से जीव को जाना चाहिए, भाई सरल बात है, जीव को जानते हैं, ऐसा नहीं जीव को नहीं जानते, जीव को जानते हैं, लेकिन मैं जीव हूँ, वो जीव जो है वो मैं हूँ, मैं जानने देखने वाला जीव हूँ, वो तत्व मैं हूँ और वो हमेशा रहने वाला अनादि अनंत तत्व है, अविनाशी तत्व है, इसका मजा नहीं ले पाते, मतलब ऐसा अपने अंदर फीलिंग करके इसका महसूस करके इसका मजा नहीं ले पाते, बस वो जानकारी कर लेते हैं हाँ एक चीज है
जो है और मैं उसमें अहम पना नहीं कर पा रहा। और धर्म इतना सा कहता है कि उसमें तुम अहम पना कर लो कि मैं वो जीव हूँ जो हमेशा रहने वाला है और हमेशा रहते हुए जानने वाला है। ठीक है, द्रव्य का लक्षण क्या है? द्रव्य लक्षण सत मतलब हमेशा रहने वाली चीज, पाद ग्रह होते हुए भी बनी रहे ध्रुव रहे परमानेंट ऐसी चीज। तो वो सारी को मैं हूँ इतना सी फीलिंग बहुत बहुत ज्यादा मतलब आनंद देने वाला धर्म है जिसके बल बहुत दिनों से मतलब चर्चा करते रहते हैं अपन सब स्वाध्यायी हैं। ठीक है, तो अभी इसकी बात इसमें कही गई है जिसे इसमें जीव का लक्षण कहा। वैसे मैं पढ़ देता हूँ, अर्थ चतुर्णाण दंसन सामान्यम जीव लक्षणम वणियम व्यवहारा सुदृढ़या शुद्धम पुण दंसनम नाणम। अब जैसे उपयोग समझा रहे हैं ना आचार्य की, उपयोग क्या चीज होती है, तो हमने ऐसे समझा। देखो क्या कहा हमने कि आठ प्रकार का जो ज्ञान हो रहा है, कितने प्रकार का? आठ प्रकार का ज्ञान हो रहा है। ठीक है, और चार प्रकार का दर्शन हो रहा है, दंसन दर्शन हो रहा है। अभी दर्शन और ज्ञान दोनों है तो एक ही उपयोग ही, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहता है। जानने के पहले अपन को जो सबको जानने रूप मतलब सामान्य रूप से सबको जानना होता है उसी को नाम दे दिया है दर्शन। ठीक है, वो भी होता है एक स्टेज है जानने की, तो उसको भी यहाँ पे उपयोग के रूप में रखा है। तो आठ प्रकार का ज्ञान, चार प्रकार का दर्शन, ये क्या है? उपयोग है, लेकिन ये उपयोग जीव का लक्षण नहीं है। ये उपयोग जीव का लक्षण नहीं है। आगे इसने एक शब्द डाल दिया, सामान्यम जीव लक्षण, सामान्यम जीव लक्षणम भड़ियम। इन आठ प्रकार के ज्ञान उपयोग और चार प्रकार के दर्शन उपयोग में जो सामान्य जानना हर एक चीज में है, सामान्यता वो है जीव का लक्षण। चाहे तो मति ज्ञान वाला जीव का हो तो भी वो जानता ही है, चाहे केवल ज्ञान वाला जीव का हो तो भी वो जानता है। चाहे कौन सा दर्शन सबसे पहले है, चक्षु दर्शन वाला जीव हो चाहे केवल दर्शन वाला जीव हो, सभी जीवों का काम एक जो उपयोग करना है, जानना है, सरल शब्दों में जानना है, वो जीव का लक्षण है हर में जो रहने वाला है। इतना सारी बात इस पहली लाइन में कही, सामान्यम जीव लक्षणम भड़िम। और व्यवहारा शुद्धम पुर दर्शनम नाम। ठीक है, क्या कह रहे हैं? व्यवहार से हमने आठ प्रकार के दर्शन करे, आठ प्रकार के ज्ञान करे, और व्यवहार से चार प्रकार के दर्शन करे। शुद्ध में से क्या है? शुद्ध में से तो एक जानना और एक देखना है। व्यवहारा शुद्ध व्यवहार से ये हो गए इन प्रवाध्याय में, और शुद्ध रह से शुद्धया शुद्धम पूर्ण दर्शनम नाम। शुद्ध है वो दर्शन ज्ञान, वो ही शुद्ध रह से यथार्थ में उपयोग है। ये उपयोग की इसमें चर्चा की गई। ठीक है, ये तो गाथा हो गई। गाथा का जो भाव है वो मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी। अब इसको और समझते हैं इस चीज को। ये बात तो 100% कन्फर्म है कि कन्फर्म मतलब आपको विश्वास में भी आती है कि जीव का लक्षण उपयोग में ही, ज्ञान दर्शन में ही, अनुभूति स्वरूप जो ज्ञान दर्शन में ही है वो है। ठीक है, अभी ये दिक्कत अब दिक्कत कहाँ आ रही है? अब बता सकते हो, ये तो समझ में आ गया अपन सभी को, समझ में आ गया। मतलब चलो अपन ने ये भी मान लिया कि एक्सेप्ट भी कर दिया कि हम ऐसे जानने देखने वाले हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है? कोई मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश, अपने आपकी दिक्कत बताया, अगर जिन्हारी में जो करिए कि क्यों दुखी है जी, क्या बताया, क्या कहा? करने धरने का भाव, करने का भूत तो सवार है। हाँ, वो तो अभी हाँ चली बात, करने का भूत सवार है, लेकिन ये भी मान रहा है ना कि मैं जानने देखने वाला हूँ। मान ना रहा हूँ, कह रहा है बस, इससे भी होगा बस में सब समय कह रहा है, मान नहीं रहा, मानने का तो हो जाता है। वो इसमें ऐसा है मतलब मान तो रहा है, लेकिन उसको ऐसा फीलिंग होगा इससे कछु नहीं होने वाला। जो मानते रहने से, मानते ऐसा जानने से कि हमें जान रहा हूँ देख रहा हूँ, इससे कछु नहीं होने वाला। अब हमें और कुछ करना पड़ेगा, करना होगा सुखी होने के लिए, कुछ करना होगा।
कुछ सुखी होने के लिए पाप करते हैं और कुछ सुखी होने के लिए पुण्य करते हैं। बस इतनी सी दिक्कत है, कोई ये नहीं सोच पाता, इतनी सोच किसी की जा नहीं पा रही है। कुछ नहीं करने का काम कर, कुछ नहीं करने का। और वास्तव में यही सबसे बड़ी टेंशन, सबसे बड़ा दुख यही, क्योंकि अपन सोचते हैं नहीं नहीं भाई अभी अपना कर्म भूमि है, भोग भूमि का जमाना थोड़ी ना है कि भाई बैठे रहो और कल के वृक्ष से मिल जाएगा अपन को बैठे बैठे। कर्म भूमि है, कर्म करने पड़ेंगे, कर्म भूमि है तो कर्ता बनना पड़ेगा। कर्म भूमि है तो एक बार ऐसे ही कर्म भूमि नाम की पुस्तक प्रेमचंद जी की है, तो कोई पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मेरे को विचार आया कि इसमें कोई कर्म भूमि का वर्णन होगा जो आदिनाथ भगवान ने स्टार्ट की थी, सब प्रकार के कर्म, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प कला, तो मतलब ऐसी ऐसी बात चली उससे इसकी पढ़ रहा था। बोलते ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन इसमें ये बताया है कि जैसे कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, अपना काम तो काम करना है, ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जो लिखा होगा वही मिलेगा, अपन तो करते रहो करते रहो, ये अपना काम तो करना है। वो करा है ना निष्काम कर्म का उपदेश, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। देखो बहुत बहुत मोटिवेशन करना होना किसी को, तो तू अच्छे से बताओ उस चीज को, तू इलाबोरेट करके भाई तुम्हारा मतलब एक झिझक होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, करना चाहिए, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, जीवन में आए हो तो कुछ करके दिखाओ, दुनिया को बता के बताओ कि हम भी कुछ हैं, आई एम समथिंग। अब मैं ना सही में ये अहंकार है वो मतलब कर्ता कर्म के कारण है, कर्तृत्व बुद्धि को अहंकार से जोड़ा है। कुर्बे हम इति उच्च गई दुर्वार मोहिनामी अहंकार रूपम तमा, अहंकार रूपम तमा मतलब ये अज्ञान रूपी जो कर्तृत्व बुद्धि है ना, ये अंधकार है। किसका अहंकार है, किसका अंधकार है, अहंकार, अहंकार का अंधकार। तो ये मैं कर्तृत्व बुद्धि इसलिए आती है क्योंकि हम अपने ऊपर अहम पाल रहते हैं कि हम कुछ हैं, हमें कुछ होना है बनना है, इसीलिए संप्रदर्शन होने पर आठ मत सबसे पहले चले जाते, बाकी का शायद ना जाए ना जाए ना जाए, गुस्सा तुम्हारा कंट्रोल या ना हो, लेकिन ये तुम्हारे आठ मत जो है वो तुम्हारे सीक्रेट हो जाएंगे। तुम अपने आप को दूसरी चीजों से बड़ा बड़ा ही बड़ा के नहीं देखोगे, क्या क्या चीजों से बढ़ा के देखते हैं, आठ मत बताओ। इससे या तो बड़ा मानोगे या तो छोटा मानोगे, तो दो काम करते हो, छोटा मानोगे मतलब दीनहीन पामर, पूजा नहीं कर पा रहे हमारे तो ऐसे कर्म के उदय आ गए हैं, समय नहीं मिल पाता, तो अभी क्या मान लिया अपने आप को पूजा नहीं कर पाने से, दीनहीन पामर मान लिया, छोटा मान लिया। तो अब वो अलग चढ़ाने का मैटर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फीलिंग हो जाती है ना उनको कि हमारे अंदर कुछ कमी आ गई, हम छोटे हो गए, अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं अनुभव रहे कि मैं आज कुछ भी नहीं करूं तो आज सामर्थ्यशाली आत्मा हूं, मैं ऐसी सामर्थ्य करा रही हूं कि अभी भगवान बन सकूं। कुछ पंचम काल और कुछ बाधा नहीं हमारे भगवान बनने में, हमारी उल्टी बहुत बुद्धि जो हमको बार बार ये कहती नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा, करना पड़ेगा करना पड़ेगा, यही अपने को बाधक है। और इसीलिए बार बार हर जगह समय सारजी में, क्योंकि अपन तो क्योंकि द्रव्य संग में भी समय सारजी का ही रूप है, छोटा चढ़ाला जी को भी लघु समय सार कहते हैं, तो क्यों क्यों कहा सभी चीजों को समय सार से क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें अपन को सबसे बढ़िया अपने आत्मा की सबसे सरल विधि बता दी गई, और सरल विधि को ही समझाने के लिए फिर हर एक अधिकार में अलग अलग तरीके से बता रहे हैं ना। जहां जाओगे वही ज्ञान को मुख्य किया, तुम ज्ञानी हो, ज्ञानी को ऐसा होता है, अज्ञानी ऐसा मानता है, लेकिन ज्ञानी को तो ऐसा मानता है ऐसा होता है, हर तरीके से ज्ञान 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 को ही मुख्य किया। तो क्यों किया, क्योंकि तुम्हें ज्ञान समझ में आ जाएगा और ज्ञान को तुम समझ करके आत्मा को समझ करके अपना कल्याण कर लोगे। बार बार हर तरीके से मतलब मैं तो समझता हूँ तुम कहीं चूक ना जाओ, क्योंकि उनको पता था चूकने की सब संभावना है, तो हर तरीके से पुष्ट किया। एक ही बात को 415 गाथाओं तक बराबर बराबर कहते, इतनी करुणा। हो सकता था कि भाई छोटा सी बात देख करके चले जाते कि भाई वो 49 की गाथा में पूरा हो गया था, क्या 49 की गाथा, अरदरुवम गंधम अवत्तम चेदणा गुणमसत्तम
जानेलिंग दहनम जीव मदित्य संथानम। क्या है कि भाई जीव का लक्षण अलिंग ग्रहण है और उसमें सारी चीजें तो निषेध और एक चीज का विधेय है वो है जीव उपयोग। क्या है चेतना लक्षण चेतना मतलब उपयोग। तो इतनी सी बात है। तो ये उपयोग जो है वो ज्ञान में ही दर्शन में ही सभी जीवों को ख्याल में आता है और यही हमारा स्वरूप है। ठीक है, अभी इसको अपन थोड़ा सा गाथा से फिर आगे देखते हैं। व्यवहार नये से 8 प्रकार का ज्ञान 4 प्रकार का दर्शन यह सामान्य रूप से जीव लक्षण कहा। शुद्ध नये की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान दर्शन को जीव का लक्षण कहा है। इतनी सी बात है। बाकी इसमें फिर कौन से नये से कौन सी विवक्षा से अनुच्चरित अपचरित असद्भूत सद्भूत ये सबसे बहुत डिटेल में इसमें बताया गया कि कैसे अपन जीव को उपयोग लक्षण वाला किस तरीके से करेंगे, है ना। तो अभी इतनी चर्चा करने के बाद में इतना और बता देना बहुत जरूरी बनता है कि व्यवहार से जनवाणी में भी सब तरीके की बातें जीव के बारे में कही गई है। सारी बातें तो मैं ये नहीं रखना चाहिए कि नहीं ये एक ही पक्ष बता दिया भैया आपने, आप तो इधर से पढ़ के आए हो तो एक ही पक्ष बता दिया है। ये भी तो कहा है कि जीव को सत्कर्म करने चाहिए, सत्कर्म दिने करना तो बता रही है, पूरा इसी भरा है सुबह से उठ करके रात तक की पूरी जीवनचर्या दिनचर्या सब हम करने में तो बताते हैं। तो अभी आपकी बात कैसे बनेगी, आप तो बोल रहे हो नहीं जीव को लक्षण जानना देखना है, जीव का लक्षण तो मात्र जानना देखना है, उसका तो एक ही कार्य है, सट कार्य नहीं है। क्या कहते थे तुमने ऋषि, एक ही आवश्यक है। और ये वाली बात ऐसी जमी कि कहां से उनको मिल गई है निहालचंद जी सोलानी जी को और उनका जीवन देखो अद्भुत हो गया। एक ही आवश्यक है, सदा आवश्यक नहीं है, एक ही आवश्यक है। तो अब आवश्यक लिखे हैं फिर क्या है आवश्यक, किस लिए करना चाहिए कि अब सुनो तुम कमजोर हो, तुम्हें सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती, तुम्हें अभी हम तुमको कुछ इस तरीके से बताते हैं कि तुम घूम फिर करके आखिर इसी जानने देखने वाले स्वभाव में तुम वापस आ जाओ। तो ये सत्कर्म जो आपको करने कहे हैं, जो ये आपको व्यवहार पूरा व्यवहार सत्कर्म का मतलब सब कुछ आ जाता है जी, श्रावक के सत्कर्म मतलब सब कुछ, इतने में तुम गिर गए सारी चीजें, क्या छूट गया बताओ सत्कर्मों के अंदर सब चीजें आ गई। तो ये जो सत्कर्म कहे है आपको करने के और वही सत्कर्म फिर अपन को सत्कर्म है और फिर मुनिराजों की भी सड़ आवश्यक है वही एलोबोरेट करके उन चीजों को। तो सत्कर्म में देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम करो, तप करो, दान दो, सारी बातें सब चीजों से बताना उनको क्या है, बताना क्या है जीव का लक्षण जानना देखना है। अब कैसे, अब देखो देव पूजा करोगे तो देव को नहीं समझ रहे और देव की पूजा कर लो तो क्या मतलब है, कुछ सेंस निकलेगा, कोई फल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और देव का स्वरूप क्या है जानने मतलब बीतरा की राग द्वेष नहीं करते, तो राग द्वेष नहीं करते तो निषेध हो गया, करते क्या है जानते देखते हैं सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते देखते हैं, आखिर आ गया ना तो वहीं पर। तो तुम्हें इस तरीके से बता दिया कि भाई देव की पूजा करो मतलब देव को अपना श्रद्धेय मान करके उन जैसे बनने की पूरी योजना बनाओ। तो ये क्या हो गया, आखिर आ गए उपयोग लक्षण जीवम, जीवो उपयोग लक्षण। गुरु उपासना वही है, स्वाध्याय करोगे तो वही बात आएगी तुमको जो जीव को लक्षण, जीव को उपयोग लक्षण, क्योंकि अब तुम्हारा उपयोग नहीं टिकता ना, उपयोग टिकता नहीं मतलब श्रद्धा तो अधिक हो भी जाएगी लेकिन चारित्र में अस्थिरता है, बार बार उपयोग सिद्ध होता है। तो अब तुम्हें इस घेरे में रख लिया कि इनसे बाहर मत जाओ, इनसे बाहर चले गए तो फिर तो जीवो भी लक्षण तो कोसों दूर हो जाएगा, फिर तो और नहीं मिलने वाला। तो कितनी मतलब बाउंड्री बना दी, कितना मतलब हर तरीके से उपकार करा, ऐसा लिखा है पंडित टोडरमल जी ने शास्त्र अधिकार में, किसी भी गुरु तो सबके उपकारी है। क्या लिखा, श्री गुरु तो सबके उपकारी है, जो भी जीव आएगा मतलब
आप समझ सकते हो मांस खाने वाला व्यक्ति जिसको अपन मंदिर में घुसने तक की परमिशन नहीं दे सकते, जिसको चमार सुकर कुकर कितने कितने घिनौने जीव अपन उन्हें जीव जिनको अपन को देखकर दया आती है। अभी मैं मतलब देख रहा था सारे सारे स्टेशन में मिलेंगे तुमको, हर एक जगह में मिलेंगे ऐसे जीवों को भी जीव भगवान ने उपकार की बात लिखी। तो क्या बात लिखी उपकार की, कि उनको जितना समझ में आएगा उतना हम उपकार कर देंगे उनका, सबका उपकार कर सकते हैं। चींटी का भी उपकार कर सकते, उसको तो समझ में नहीं आता, बोलो भगवान चींटी का उपकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको किसी ने मुझसे लेकर टोडरमल जी ने लिखा सबका उपकार लिखा, आपने तो कह दिया संभव है, असल की पंचम जी तक समझ में नहीं आ रही कोई कोई चीज उन पर। असंगी मंजिंद्री को बोला कि तुम उन जीवों पर दया करो ताकि उनको कोई कष्ट ना हो। तो ये किसका उपकार हो गया? क्योंकि अभी तो जीव को बाहर के संयोग की दुखदाई सुखदाई लगते हैं ना, 99.99% जीवों के क्या हाल है। तो जो बाहर के संयोगों से दुखी मान रहे हैं तो ऐसे संयोग उनको नहीं दो तुम, जो समझदार है तो बेचारे दुखी नहीं होंगे। ऐसे कह करके उनने सभी जीवों का उपकार किया, A to Z मतलब जितने भी जीव हैं। तो ये स्वाध्याय आदि सत्कर्म का उपदेश भी कर्म करने के लिए नहीं है, आखिर तुम्हें बताने के लिए आखिरी में जाकर डेस्टिनेशन तो यही है सबका मालिक एक, सबका मालिक एक का मतलब क्या होता है, सबको आना है जानने एक ही मार्ग में आना है, वो ये है कि अपने आप को जानते देखते रहो। बताए ये इसी को भाषा में क्या कहते हैं कर्णालय में अपन जो पढ़ते हैं श्रेणी आरोहण कर्म कौन कौन सी होती है, तीन प्रकार की जो होते हैं ना ध्यान की प्रक्रिया, तीन प्रकार की कर्ण तीन कर्ण तीन कर्ण अनुवृत्तिकरण अपूर्णकरण अनुवृत्तिकरण हाँ और भी बहुत सारी कर्णालय की चर्चा है। ये क्या है चार ने देखा इतना ही सारा जानकर देखते रहता है ना जीव, जो ये जानना मैं जानकर देखता हूँ। अब ये वाली बात अपन लगती सोचना पड़ती होगी, सोचो ऐसा सोचो विचार करो जानना देखना, ऐसा नहीं होता। वो कुछ करते रहते नहीं है, उनकी मान्यता बिलीव में ही नहीं आता कि मैं कुछ कर लू ये कर लू वो कर लू, जब ये नहीं आता तो अपने आप क्या होगा। शायद जो होता है वो तो जीव तो जानने ही देखने वाला है, वो तो स्वयं ही है। जैसे भूत नहीं लगा हो तो क्या होगा, वो तो जो नॉर्मल है नॉर्मल ही है, उसको अलग से जो नॉर्मल होने के लिए बहुत मंत्र तंत्र और कुछ करने की जरूरत है। भूत ही उतरने तो इतनी सी देरी है, तो जिसने अपने भूत उतार दिया मैं करने डालने वाला हूँ तो आज नहीं तो कल, वो धीरे धीरे उसकी चारित्र मोह से भी भूत उतरता चारित्र मोह का भी दोनों भूत है। तो ऐसे तो अपने आप जानने देखने का स्वभाव बन जाता, अलग से उसको विचार भी नहीं करना पड़ता। तो ये है जानने देखने का महिमा, ये इतनी सी महिमा है, महिमा अगम्य महिमा जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसको समझने से सभी जीव करे हैं। वेद विज्ञान का सिद्धा सिद्धा ये सिद्धा ये किल के उसमें भी छिड़ाला जी ने भी क्या है हुए आज तक। हाँ मतलब इसी तरीके का भाव है कि वेद ज्ञान के बल से ही वेद ज्ञान ऐसे ही है। तो ऐसी मतलब वेद ज्ञान का ये बल आ जाए अपने को कि मैं जानने देखने वाला जीव तत्व हूँ, ये शरीर के होने वाले भाव और ये कर्मों से होने वाले मोह राग द्वेष के भाव दोनों लागादी और वर्णादी ये दोनों से अनवरत वेद ज्ञान करते, इसका ही नाम धर्म है। अच्छा इससे क्या क्या हो जाएगा, इससे तुम्हें सब हो जाएगा, तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, इससे तुम्हें सर्ग दर्शन तो हो ही जाएगा। तो सबसे पहली स्टेज है, ऐसे ही करते रहोगे त्यागी प्रति बन जाओगे, प्रतिमाधारी बन जाओगे, चरण पलने लगेगा अपने आप। और अभी कैसे पलेगा, अरे हमने कही थी हम तो पाल रहे हैं इतनी प्रतिमा ले ली है तो हमें तो पालना है, हमने इतने नियम दे दिए, अब वो लोग प्रतिमा दे दो, प्रतिमा नियम ही है तो आप लोग नियम ले लेते हो ये वाला नियम हम पालेंगे। अब ये ओढ़ना पड़ता है, नहीं तो जब समय दर्शन हो जाता है मतलब ये पता चल जाता है जानने देखने वालों तो अपने उपयोग को फैलाता नहीं है, वो व्यापार धंधे में घूमने फिरने में यहाँ वहाँ सीमित हो जाता है। अनुव्रत महाव्रत की क्या है, सीमित होने का नाम है, अनुव्रत होगा महाव्रत होगा मुनि दीक्षा होगी और ऐसे करते करते मोक्ष होता है।
इतना सा काम करने से, लेकिन अब इतने में दिक्कत है तो फिर और तो वही एक ही मार्ग है, और हम आपको बताएंगे नहीं, नहीं और टोटके मंत्र तंत्र वो तो हमारे पास भी नहीं है, और जनवाणी में भी कहीं लिखे हो तो हमको बता दो, तो हम भी सोचेंगे कुछ और उपाय करने। लेकिन हमें तो जो ये उपाय पता चला है इससे बहुत आनंद आता है, और इस उपाय को करके सभी जीव सुखी हुए हैं। ये अनुभव में भी आता है कि ऐसी उपाय से सुखी होंगे। बीत राग क्या है? बीत राग शिव स्वरूप शिव का, बीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का, नमो त्रियोग हर जगह मतलब यही चीज आती है। कहीं से भी उठा के खोल के देखो, कर्णानुयोग हो, चरणानुयोग हो, प्रथमानुयोग हो, द्रव्यानुयोग हो, क्योंकि वहां पे भी लिखा ना पंचास्तिका में आगे जाकर के शास्त्र तात्पर्य और सूत्र तात्पर्य। शास्त्र तात्पर्य लिखा है एक बीत राग का ही शास्त्र तात्पर्य, समस्त ग्रंथों का तात्पर्य क्या है? बीत राग का मतलब ये भी करना है बहुत डिटेल में। जीव के उपयोग लक्षण, ज्ञान दर्शन लक्षण, चेतना लक्षण, और तो क्या शब्द, तो शब्द का ब्रह्म पार है। एक बार मैंने कहा था कि मैं शब्द भी बदलना नहीं चाहता, एक ही शब्द से मोक्ष होना चाहिए। जीवन में कैसे कितने शब्द पढ़ने हैं? एक शब्द पढ़ना, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से भी मतलब पढ़ने से कुछ नहीं होता है, वो भी तुम्हारी भूल लगी, पढ़ लेंगे तो खूब उपयोग घूमेगा, ऐसे तो कुछ नहीं होता, बल्कि और इतना पढ़ते तो और उपयोग सूक्ष्म होता है, स्थूल मतलब वो होता है, गहराई में जाता है, पढ़ने से घमता नहीं है। लेकिन मैं विश्वास रखूंगी एक शब्द से, और शब्द तो शब्द हो गया, उसका जो भाव है उससे कौन से मूल्यास थे? एक शब्द से कमाल हो गया, वो शब्द नहीं था, वो तो कोई जनवाणी का शब्द तो था नहीं था जनवाणी का शब्द, तो ऐसा है। बहुत बहुत सरल, गंभीर और सबको समझ में आने जैसा मार्ग है, और हमें नहीं लगता कि कोई भी इसका विरोध कर ले हमारे सामने तो हम उसकी बात को मान जाएंगे, नहीं तुम सब तो कोई भी ताकत नहीं जो हमें इस बात से इनकार करा दे कि वीतराग ज्ञानता के अलावा कहीं धर्म हो जाए तो हम बता दें। ये बिल्कुल सबके 100% बात है, एक वीतराग विज्ञानता ही सार है, और यही सार मतलब सुखी होने का उपाय, सार का मतलब कुछ और नहीं, सुखी होने का उपाय। तो ये बंदे इसका चर्चा की, कोई को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल अपनी अंदर से भी पूछने का मन हो तो कोशिश करेंगे हम जनवाणी के माध्यम से समाधान देने का। ठीक है, तो चलो मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, समय अपने आकर समाप्त करते हैं। क्योंकि और कहाँ मानेंगे अपन, अपने को तो फीलिंग हो रही है, कहाँ मानेंगे वो तो व्यवस्थाएं तो हम नहीं कह रहे, इसलिए होते हैं, लेकिन जीव के अंदर आ नहीं जाते हैं, इसको बताना है बिल्कुल। कितने दुख, कितने कष्ट, कितनी पीड़ाएं, ये तो अपने कुछ नहीं कि तो अपन देखते हैं आसपास की कष्ट पीड़ा है, गर्मी की अभी इतनी बढ़ रही है, एसी लगाना पड़ रहा है 19, उसके सामने तो कुछ नहीं है, दिन का है, कितने कष्ट, नरकों की वेदनाएं सालों सालों भरी है, निगोज की तो हद ही कर दी, मतलब जाते हैं तो कुछ पता ही नहीं कब आना है, ऐसे निगोज की अनंत अनंत वेदनाएं से भी जीव का बाल वाका नहीं हुआ, कुछ भी घटा नहीं, कम नहीं हुआ, ये जानकर ही आश्चर्य होना चाहिए, अरे क्या अद्भुत स्वरूप है, ऐसा स्वभाव बताया पर नहीं जानते थे तो भी कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसा स्वभाव नहीं जानते थे तो भी कुछ नहीं बिगड़ा, पर अब जान गए तो कोई बढ़ेगा नहीं, वही रहेगा जो था, सिद्ध दशा में भी वही रहेगा जो हूँ, जारी सिया सिद्धप्पा भाव मिल लिए जीव तारी शाहती, बिल्कुल एज इट इज सिद्ध भगवान में जैसा जीव है वैसे यहाँ विद्वान अपने अंदर विराजमान है, तो ये जान करके तो कितना और उछाला आता है, अद्भुत। तो ये मतलब ये चर्चा सुनी, और भी इसमें कुछ बहुत मतलब ऐसी गहराई से अपन पढ़कर निकल जाते हैं तो थोड़ा अपन को समझ में नहीं आता, लेकिन एक एक शब्द में भी खूब गहराई होती है, ऐसे नहीं कह देते आचार्य उपयोग, बहुत गहरा। ओम नमः।